हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जवान जादू व्लॉग में। तो मैं आज आया हूँ पैठन धरण देखने के लिए, जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जायकवाड़ी प्रकल्प बोलते हैं उसको। ये यहाँ पे मौजूद है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं यहाँ से पीछे वो पूरा भरा हुआ है। और साथ ही आप बाजू में देख सकते हैं वहाँ पे जहाँ पे बिजली बनती है। अब अभी मैं आपको यहाँ का पूरा जानकारी बताऊँगा मेरे इस वीडियो में। तो चलो जवान जादू व्लॉग में, तो मैं आज आया हूँ पैठन धरण देखने के लिए, जिसको नाथ सागर बोलते हैं, जायकवाड़ी प्रखंड भी बोलते हैं। यहाँ पे बिजली नहीं होती है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं ये पूरा धरण का गेट भी है, पूरे 27 दरवाजे हैं इसको, गेट्स है उनको 27। तो उसके पीछे पूरा पानी का जो तालाब है बहुत बड़ा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। फिलहाल अभी वीडियो को शुरुआत करते हैं, चलिए देखते हैं पैठन का धरण, जिसको नाथ सागर बोलते हैं और जायकवाड़ी प्रकल्प भी बोलते हैं, जो महाराष्ट्र का एक नंबर धरण है सबसे बड़े में। तो शुरू करते हैं वीडियो को। जायकवाड़ी धरण का जो गेट है, ये टोटल 27 गेट है यहाँ पे। इसकी ऊंचाई की तकरीबन 41.3 मीटर है। यहाँ पे पंछी भी देख सकते हैं आप। तो हेलो दोस्तों, मैं आया हूँ अभी ये जो पैठन का जो धरण है उसके बहुत नज़दीक आया हूँ अभी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके जो ऊंचाई है इसकी, ये 41.3 मीटर की ऊंचाई है इसकी, और जो पूरा लंबा है पूरा ये तकरीबन 10 किलोमीटर है। और जो इसके पीछे जो पानी का जो साठा बोलते हैं उसको, वो लगभग 65 किलोमीटर तक दूर है फैला हुआ। और ये बिल्कुल गांव के नज़दीक है, पैठन गांव के नज़दीक बसा इसको बनाया गया है। और ये तकरीबन बात मिला कि 2,40,000 हेक्टर को इसका पानी पुरवठा होता है, साथ में पीने का पानी भी यहाँ से जालना और साथ में औरंगाबाद की MIDC औरंगाबाद का शहर, इसके लिए यहाँ से ही पानी पुरवठा होता है पूरा। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे इसके टोटल 27 धरण है। इसकी निर्मिति 1965 में से लेके 1976 में इसका काम पूरा हुआ था। लगभग 10-11 साल तक ये काम चला था इसका। तो अभी ये औरंगाबाद जिला और जालने के लिए वरदान साबित हुआ है, इसकी वजह से यहाँ का पानी समस्या पूरी तरह से हल हो गया। इसको लग के दो कैनाल भी जाते हैं, एक तकरीबन 160 किलोमीटर के आसपास है और एक
230 किलोमीटर के आसपास है, इससे दो कैनाल जाते हैं यहाँ से, उससे भी बहुत सारे गांव को फायदा होता है। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, पूरा पोइटा का जमीन है यहाँ पे, उपजाऊ खेती के लिए ये मिट्टी बहुत ही लाभकारी होती है। साथ में ये जो डैम है, ये पूरा मिट्टी से बना हुआ डैम है, खाली इसका गेट छोड़ के, तो ये महाराष्ट्र में सबसे बड़ा धरन है और सबसे बड़ा कच्चा मिट्टी का बने वाला धरन है। तो इसका भी पीछे का भाग भी हम आपको दिखाएंगे आगे के वीडियो में। ये है नाथ सागर, यहाँ से आपको दिखाई देगा पूरा नाथ सागर। ये पूरा कच्चे मिट्टी से बने वाला बांध है, आप देख सकते हैं। वो वहाँ पे है धरन का गेट है वहाँ पे, और यहाँ से ऊपर जाने के बाद दिखता है पूरा नाथ सागर। तो चलो देखते हैं। नहीं, मेरे आगे ये है नाथ सागर, यहाँ से आपको दिखाई देगा पूरा नाथ सागर। ये पूरा कच्चे मिट्टी से बने वाला बांध है, आप देख सकते हैं। वो वहाँ पे है धरन का गेट है वहाँ पे, और यहाँ से ऊपर जाने के बाद दिखता है पूरा नाथ सागर। तो चलो देखते हैं। तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर देना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे है पैठन गांव, साथ में
ये जो लास्ट का देख रहे हैं यहाँ पे घाट है, और नीचे यहाँ से आप पूरा ये डैम देख सकते हैं। और ये जो है पैठन का सागर, ये लगभग 65 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है।